लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, सुमित कुमार सिंह जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री अरुण भारती जी, एनडीए के सभी दलों के जिलाध्यक्ष, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया तो इतना ज्यादा काम किया है, एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। आप जानते हैं हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किए, हम लोग तो मिलकर कर रहे हैं भाई, आज कितना बढ़िया से काम किए याद कर लीजिए, कितना तेजी से काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था 5 में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 6 से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला, अब बिहार में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं, अब कैसा हो गया। तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है, इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ फूट के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ फूट के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए, अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं, अब बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए, आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है, और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे हैं जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए, ये कब बना, एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का आप कितना ज्यादा होता था, अब आज तक जो करते रहते हैं, आप पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया, पहले ना बच्चा पढ़ता था, ना बच्ची तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया।
अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी? कितना होता था? इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया। तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है। तो इसीलिए तो हर तरह से तो हम लोग शुरू से ही पांच में आए तो पहला साल दस तक, उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम। आप फिर जरा देख लीजिए 2015 में जो हम लोगों ने सात निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत कितना कितना बढ़ा हुआ। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नाली शौचालय, और ये भी कर दिया कि जो टोला है वो टोलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ने का भी काम किया। और 2020 में सात निश्चय दो में भी सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाख के करीब करवाया, अब इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी होगी। आप सोच लीजिए, 4 हो गया है, 1 और तुरंत होने वाला है, 3 का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं। और हम लोग तो शुरू से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अब कितना ज्यादा उत्थान हो गया, अब भारी संख्या में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब कितना हम लोग काम कर दिए, जब पहली बार मौका मिला, जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को 50% पंचायतों में और साथ में नगर निकाय में भी कर दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में, और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंतजाम कर दिया, हर तरह से सब काम कर दिया। तो एक एक तरह से, और जो हम लोग स्वयं सहायता समूह, हम जब केंद्र में थे उस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में और महिलाएं, यहां बिहार में बहुत कम थी। तो जब हम लोग जैसे ही आए 6 में ही हमने का ले करके शुरू करा दिया, और अब उसका नाम दे दिया जीविका। और उस समय की जो सरकार थी वो लोग भी आए, कहे भाई बड़ा अच्छा आप काम किए, और नाम दे दिया देश भर में आजीविका, मतलब बिहार में जीविका और देश में आजीविका। यही से काम शुरू कराया। और आपको मालूम है 10,51,000 स्वयं सहायता समूह हो गया है, और 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका दीदियों के साथ जुड़ गई। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और हम लोग तो आपके लिए सब काम किए हैं चारों तरफ, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का कायम रखिएगा। और हम लोग सब दिन हैं, और 4,000 सीट, ये सीट भी आप पूरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाइए। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा। तो यही हम कहना चाहते हैं। तो इसीलिए अब सब कुछ बात हो गया, तो एक एक तरह से काम हर तरह से, अब कितना ज्यादा चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है। और सबके लिए हम आपको आपका नमन करते हैं, और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे करते रहिएगा, हम लोग भी मिलकर के यहां की सेवा करते रहेंगे, और आप जरूर 400 से भी ज्यादा वोट से जीत करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होइएगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बताबा है, हाथ उठा के बोलो कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला का यहां पर बोल, तुम हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।